हमने प्रोग्राम देखा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो देखा इंस्टॉलेशन देखा और उसका बेसिक सिंटेक्स देखा बट थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस हमें अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है कि जे क्या होता है और हम जे वी जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में क्या होता है सो हेलो एवरी वेलकम टू डब्ल्यू एस हम जब प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि जावा एक ऐसा प्रोग्राम है या जावा एक ऐसी लैंग्वेज है रादर जो आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है यानी आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पर रन करके आप उसको कहीं पे भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर रन करके आप उसको कहीं पे भी भेज सकते तो हम जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर वो आज देखेंगे दैट इज जावा वर्चुअल मशीन जो एक ऐसा रन टाइम इंजन है जो हमारे जावा एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प आउट करता है जो हमारा मेन मेथड होता है वो जो हमारा जावा कोड के अंदर जो हमारा मेन मेथड होता है जे उसी को ही कॉल करता है तो जब हम बात कर रहे थे ना कि स्टार्टिंग uh, क्यों होता है क्लास का नाम फंक्शन का नाम फाइल uh, का नाम तो हियर कम्स द मेन रीजन जो जेवीएम होता है वो किसको कॉल कर रहा है वो मेन वाले मेथड को कॉल कर रहा है ये आपका जेआरई का पार्ट है दैट इज जावा रन टाइम जब मैं जावा एप्लीकेशंस की बात करती हूँ आपने यहाँ पे बहुत जगह सुना होगा कि इट इज राइट वंस रन एनी एप्लीकेशन तो ये राइट वंस रन एनी वेयर एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम program है या कुछ भी है वो आप किसी एक कोड पे डेवलप कर लेते हो किसी एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप करते हो कोई भी सिस्टम पे डेवलप करते हो और आप उसको किसी दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हो लेकिन वहाँ पे जावा इनेबल्ड होनी चाहिए है कोई भी एडजस्टमेंट करने की आपको वहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है तो जब हम बात करते हैं कि जब जावा फाइल को हम कंपाइल करते हैं तो उसकी क्लास फाइल बनती है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड इट कंटेन्स द सेम क्लास नेम विच इज प्रेजेंट इन योर जावा फाइल रिमेंबर दिस थिंग जब भी आप अपने फाइल को कंपाइल करेंगे तो जो उसकी क्लास फाइल बनेगी उसका नाम और आपकी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड है वो सेम होगा दैट मीन्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से इस अगर आपकी क्लास है ए ठीक है ये आपकी फाइल है ठीक है ए डॉट जावा समझ लो या आपकी जो भी फाइल है आप इसको फाइल समझ लो सपोज मैं इसको फाइल समझ लेती हूँ मेरी जावा तो जब आप इसको कंपाइल करोगे तो इसकी क्लास फाइल बनेगी और ये जो क्लास फाइल होगी इसका क्या नाम होगा इसका नाम जिस क्लास में आपका मेन मेथड है वो नाम हो यानी आपके प्रोग्राम के अंदर हो सकता है पांच क्लास हो लेट्स सपोज C1 क्लास है C2 क्लास है C3 क्लास है इसी के अंदर और ये जो C3 क्लास है इसके अंदर आपका मेन फंक्शन है क्लियर तो आपकी जो क्लास फाइल बनेगी वो किस नाम से बनेगी ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये आपको बहुत याद रखना है आप इस कंसेप्ट को ओमिट नहीं कर सकते सिमिलरली ये कंसेप्ट आपके लिए एक एक्सेसिबिलिटी uh, रहेगा आपको याद रखने में हेल्प आउट करेगा क्योंकि कई बार आप इंटरव्यू क्वेश्चन में जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि क्यों आपके फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखा जाता है सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि भाई आपको याद नहीं रहता हम फाइल का नाम तो हम फिर याद रखते हैं हम क्लास का नाम भूल जाते हैं इसलिए हम दोनों को सेम रखते हैं तो यहाँ पे मेन रीजन यही रहता है कि जो आपकी क्लास फाइल बनती है उसका नाम और जो आपकी क्लास जिसमें मेन मेथड है, वो सेम होना चाहिए। दैट इज दी थिंग दैट विल बी स्टार्टिंग तो यही एक उसका यूनिक फीचर होता है नाउ दिस क्लास फाइल विल गो इन टू वेरियस स्टेप्स वेन जब हम इसको रन करते हैं एंड दिस एंटायर स्टेप्स इज द वन विच डिस्क्राइब देवी एम तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे जे का तो इसके अंदर क्लास लोडर होती है जे की मेमोरी होती है जिसके अंदर मेथड एरिया होता है हीप होता है उसके स्टैक्स होते हैं रजिस्टर्स होते हैं कुछ नेटिव मेथड्स होते हैं एग्जीक्यूशन इंजन होता है नेटिव मेथड इंटरफेस एन नंबर ऑफ थिंग्स है ये आपका पूरा जावा का आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं जे का आर्किटेक्चर है बट येस yes, हमें इतना कुछ इसमें नहीं करना है जो बेसिक थिंग्स है हमें वो याद रखनी है कि जो हमारा क्लास लोडर सब सिस्टम होता है उसके पास थ्री एक्टिविटीज़ होती है जो उसको परफॉर्म करनी है एक होता है लोड करना एक होता है लिंक करना और एक होता है इनिशियलाइज करना तो लोड का मतलब क्या होता है जो आपकी डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा ये उसके लिए होता है और उसका बाइनरी डेटा जो भी जनरेट करना है वो उसको कर। जो लिंकिंग होता है उसका जो काम होता है उसको वेरीफाई करना उसको प्रिपेयर करना और उसको रिजोल्व करना तो ये एक दूसरा काम होता है और इनिशियलाइज़ करना जो भी आपके स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो भी डिफाइन करनी है कोई स्टैटिक ब्लॉक है कोई टॉप टू टौ बॉटम कुछ भी है तो वो उसको इनिशियलाइज़ करना टॉप टू बॉटम अप्रोच में जाएगा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड जो हाईराइकी मेंटेन होगी वो बट देन अगेन दिस इज दिस वी विल बी लर्निंग जब हम क्लास इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो जब हम इसकी हाईराइकी पढ़ेंगे और क्लास की हाईराइकी पढ़ते हैं चाइल्ड क्लास पढ़ते हैं पेरेंट क्लास करते हैं वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपके कवरअप होते हैं बट येस yes, एक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी होता है तो दैट इज अ मेजर रीजन हमने ये टॉपिक आज लिया है क्योंकि जे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें uh, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है जे क्या है तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है एक सिंपल सा काम है कि ये वही एक पार्ट है जो आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है एक बेसिक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी होगी जो आपकी क्लास फाइल बनती है और जिस क्लास के अंदर आपका मेन मेथड है ये दोनों सेम होते हैं तो जब भी आप कोई फाइल कंपाइल करोगे जावा की तो उसके अंदर आपके हो सकता है बहुत सारी क्लासेस हो टेन क्लासेस हो ट्वेंटी क्लास हो लेकिन एक क्लास ऐसी होगी जिसके अंदर आपका मेन मेथड है तो उस क्लास का नाम और आपकी फ़ाइल का जब आप कंपाइल करोगे और उसकी क्लास फाइल बनेगी तो वो दोनों हमेशा सेम होता है दैट इज़ द मेजर पॉइंट ऑफ पार्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नहीं स्किप करेंगे रेस्ट ऑल तो हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीख जाएंगे क्योंकि द मो यू प्रैक्टिस द मो यू प्रोग्राम द थिंग्स गेट बेटर वेन यू अंडरस्टैंड इट राइट तो वो चीज़ आप समझेंगे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास फिर द प्रोग्रामिंग पार्ट तो हम नेक्स्ट क्लास से सारे हमारा बेसिक्स है जावा की वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कैसे कुछ प्रोग्राम बनाने हैं कुछ कीवर्ड्स बनाने हैं कोई वेरिएबल्स बनाने हैं प्लस उनके साथ हम कैसे लूप कर सकते हैं अरेज यूज़ कर सकते हैं क्लास के अंदर हम कैसे ये सब काम करेंगे और इस क्लास का कैसे सिग्निफिकेंस होगा दीज ऑल टॉपिक्स लिटिल टॉपिक्स हम कमिंग लेक्चर्स में कवर अप करेंगे सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन प्लीज़ कीप लर्निंग थैंक यू एवरीबडी